अलीगढ़ के थाना रोराबर क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िता ने विगत वर्ष में युवक पर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़िता की तहरीर पर थाना रोराबर में मुकदमा अपराध संख्या 75/23 IPC की धारा 376-506 आरोपी रहबर पुत्र अरशद निवासी ADA कॉलोनी थाना दहली गेट में दर्ज हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी ने विवेचक से सांठगांठ कर मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। पीड़िता द्वारा अंतिम रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट ने FR को निरस्त कर दिया और आरोपी को तलब किया। कोर्ट से समन जारी होने के बाद भी आरोपी हाजिर नहीं हुआ तो कोर्ट द्वारा आरोपी के खिलाफ बगैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा मुझे न्याय न मिल सका, अब मुझे कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। आरोपी पीड़िता को धमकी दे रहा है और फैसला करने का दबाव बना रहा है। पीड़िता के वकील ने बताया कि हम कोर्ट द्वारा पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। पीड़िता के साथ पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाकर नाइंसाफी की गई थी। कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर दिया और पीड़िता के प्रोटेस्ट को स्वीकार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट से बगैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को भरोसा दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय में पेश किया जाएगा। मेरा एक मामला रहबर से चल रहा है जिसमें उसने मेरे साथ गलत हरकत करी थी, जिससे मैंने FIR करी थी, तो पुलिस ने उसमें FR लगा दी थी और फिर मैंने कोर्ट में गई तो वहाँ पे प्रोटेस्ट डाला तो प्रोटेस्ट अलाउ हो गया, उसके वारंट हो गए, लेकिन वो जिला जज के पास चला गया जहाँ पे रिवीजन हो गया, रिवीजन में पड़ गया। फिर उसके बाद 27/8/2024 को जिला जज ने उसका रिवीजन खारिज कर दिया। फिर दोबारा 29/8/2024 को उसके तीसरे बार वारंट बन गए, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। SSP साहब, मुझे प्लीज़ अपनी जान का खतरा है। आप शानू नाम का लड़का है और रहबर, वो मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं कि मुकदमे में आगे तुमने कुछ करा तो हम तुझे जान से मार देंगे। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और उसकी गिरफ्तारी करें। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है, वो आगे कुछ ना कुछ कर, जिला जज के पास जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कुछ करता है, लेकिन उसे। मेरा नाम विपिन सिंह राणा एडवोकेट है। ये मामला ऐसा है कि एक मुकदमा 15 तारीख को घटना होती है, 16 को मुकदमा पंजीकृत होता है, उसको लेके एक महिला जिसकी विवेचना करी जाती है आयोग द्वारा 2 दिन में ही उसमें FR लगा दी गई। उस FR के खिलाफ हम लोगों ने माने CGM के यहाँ पे एक प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसमें उसको डायरेक्ट तलब कर लिया गया मुलजिम को। उसके बाद में मुलजिम की तरफ से उन्होंने रिवीजन डाला जिला जज साहब के यहाँ, तो वो भी 27 तारीख में खारिज कर दिया गया है। वो फाइल फिर से एज इट इज आ गई और फाइल CGM साहब के यहाँ चल रही। प्रयास है, हम कोर्ट के थ्रू जितना भी कर सकते हैं, पुलिस ने तो जो किया वो किया उसके साथ, लेकिन हम तो बस कोर्ट के द्वारा करवा रहे हैं और उम्मीद है कि उसे बहुत जल्दी बिल्कुल सही माना है कोर्ट ने। आज की डेट में उनको मुलजिम मान रखा है, उसी के आधार पर।